तो बचपन से साइकिलिंग में शौक था, स्पोर्ट्स में शौक था। और उसके बाद ट्रायल हुई थी बख्शी स्टेडियम में, जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का टीम आया था, उन्होंने सिलेक्शन की थी। 19 जून 2016 में ज्वाइन किया था मैंने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैं 3 साल से उधर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मौका मिला था एशियन चैम्पियनशिप जो मलेशिया में हुई थी, उसमें 7th रैंक रही थी टीम की। और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियन जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें टॉप 20 में रैंक रही थी, जो 2018 में हुई थी। उसके बाद जो एशिया कप हुआ था दिल्ली में, उसमें 2 सिल्वर रहे थे। और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप हुई थी जो इंडियन नेशन में हुई थी, वो 2019 में हुई थी, उसमें 2 एक सिल्वर 1 ब्रोंज रहा था, जो भारत का पहला मेडल था। बिलाल ने एक यतीम बच्चा होने की वजह से कई सख्तियां और महरूमियां देखी हैं, लेकिन उसने सख्तियों के साथ मुकाबला करके आगे निकलना सीख लिया है। इतने सी छोटी उम्र में वो आज तक साइकिलिंग के मुख्तलिफ कौमी और बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में 16 मेडल हासिल कर चुका है।